अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, जहां आज पूजन के पहले दिन सरयू नदी के रामघाट पर 108 फीट की अगरबत्ती प्रज्वलित की गई, जो 45 दिनों तक जलती रहेगी और रामनगरी अयोध्या को महकाएगी, जिसको आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में प्रज्वलित किया गया। गुजरात के वडोदरा में तैयार की गई ये अगरबत्ती अयोध्या लाई गई थी, जो 3.5 फीट चौड़ी है और इसका वजन 3600 किलोग्राम है, जो 50 किलोमीटर के इलाके को सुगंधित रखेगी, जिसको आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन के दौरान जलाया गया। इस दौरान गुजरात के वडोदरा के मोहन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अगरबत्ती 108 फुट की लेके आए और ये अगरबत्ती यहाँ लगाने से अगरबत्ती माहौल बन जाएगा पूरा अयोध्या में। अगर रामलला की जो स्थापना हो रही है उसमें हमारा भी कोई योगदान होए गोपालक समाज का, उसी के हिसाब से लाए। और इसमें 108 फुट की अगरबत्ती में गिर गाय का घी होता है, उसका गोबर होता है, तल हवन पूरे हवन सामग्री उसमें इस्तेमाल की है। 108 फुट की अगरबत्ती लंबाई है और 3.5 फुट की उसकी गोलाई है। और अयोध्या वासी और अयोध्या श्री राम लल्ला की स्थापना के दिन हम अयोध्या के राम लल्ला को ये अर्पित करने के लिए गुजरात बड़ौदा से हम आए। अगर बता दें कि इस अगरबत्ती को किन्हीं कारणों से राम जन्मभूमि परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी, जिस कारण अगरबत्ती को सरयू नदी के रामघाट पर रखा गया। इस अगरबत्ती को 5 तत्वों से मिलाकर बनाया गया है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये हर्बल तरीके से बनाई गई है। वहीं इस दौरान राम जन्मभूमि के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके कर कमलों के द्वारा बड़ोदरा से लाई गई इस धूप बत्ती का जो है इसको जलाया गया है। आज ये आज यहाँ पर सुलगना शुरू हो गई है और लगातार ये जैसी जानकारी प्राप्त हुई कि 40 दिनों तक जो है इसी प्रकार से ये जलती रहेगी। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार से लोग देश से अपने उपहार अपना समर्पण समर्पित करते जा रहे हैं। अब महज कुछ दिनों का इंतजार और बाकी है। महज 6 दिनों बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद राम युग का फिर से आरंभ होगा। फिलहाल मुझे यानी रागिनी सिंह को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।